हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनालिटिकल कांस्टेंट। ये पार्ट आपका यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का है। तो यूनिट 3 में एक आपका जो टॉपिक है वो है फैट एंड ऑयल। इसमें सेकंड पोर्शन आता है आपका टोटल पूरा एनालिटिकल कांस्टेंट का। इसमें टोटल 6 एनालिटिकल कांस्टेंट होता है। पहले हम देख लेते हैं कौन से 6 एनालिटिकल कांस्टेंट है। सो फर्स्ट इज एसिड वैल्यू, सेकंड सपोनिफिकेशन वैल्यू, थर्ड आयोडीन वैल्यू, फोर्थ इस्टर वैल्यू, फिफ्थ एसिटाइल वैल्यू एंड सिक्स इज रिचर्ड्स मिसेल्स नंबर। सो बेसिकली हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, इनके सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं, इनका प्रोसीजर लाइक हाउ टू टाइट्रेट और हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड कैलकुलेशन विच इंक्लूड्स इट्स फॉर्मूला। सो हमें इस पार्ट में बस इतना ही पढ़ना है और ये यूनिट 3 में मिलेगा आपको ये वाला पार्ट पूरा। टोटल 6 एनालिटिकल कांस्टेंट है, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन, आयोडीन, ईस्टर, एसिटाइल एंड रिचर्ड मिसेल्स नंबर। अगर आपने टोटल पूरा पार्ट पढ़ लिया तो आपका मेजर यूनिट 3 का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एसिड वैल्यू। सो एसिड वैल्यू में आपका मेन क्वेश्चन आएगा, अगर 2 नंबर में आता है तो क्वेश्चन यही आएगा कि लाइक व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू, व्हाट इज़ एसिड वैल्यू और व्हाट इज़ फार्मूला और व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो अगर आपको बेसिकली फार्मूला याद होगा तो आप खुद डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको टर्म वो यूज़ करने हैं बट फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। सो एसिड वैल्यू ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मिलीग्राम ऑफ KOH, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम, इज इक्वल टू टाइटर वैल्यू इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इंटू 56.1। सो यू विल बी वर्निंग व्हाट इज 56.1। सो हेयर इज अ नोट, 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 56.1 mg ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो 56.1 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच वी विल यूजिंग इन फॉर्मूला। सो दिस होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैम्पल वी विल टेकिंग। सो जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो उसकी एक टाइटर वैल्यू निकल के आती है, हम 3 कॉन्सिक्यूटिव टाइटर वैल्यू लेंगे, उसमें से फिर हम एक ले लेते हैं कॉमन। देन उसकी नॉर्मेलिटी ऑफ KOH हमने पता होती है, मॉलिकुलर वेट हमें पता होता है, वेट ऑफ सैंपल हम जितना भी सैंपल लेंगे वो हमें पता होता है। सो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारी एसिड वैल्यू निकल जाएगी। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट हम एज अ कॉन्स्टेंट लेते हैं लाइक डेफिनेशन में। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कितना टेस्ट कर रहे हैं, कितनी हम टाइटर वैल्यू, जो वही वेट ऑफ सैंपल है हमने उसको स्पेसिफिकली बता रखा है 1 ग्राम ऑफ फैट हम ले रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं एक कॉन्स्टेंट सैंपल में लाइक 1 ग्राम ऑफ फैट में कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अनसेफ होती है हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए लाइक स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम इसकी रेंसिडिटी मेज़र करते हैं। तो रेंसिडिटी मेज़र करते हैं एज फ्री फैटी एसिड्स आर नॉर्मली फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल ग्लिसराइड्स। डीकम्पोजिशन मीन्स ख़राब हो जाना, वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है ऑयल में, ऑयल के अंदर ग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड। तो जो ऑयल होता है, फैट्स होता है, उनके अंदर फ्री फैटी एसिड या तो बहुत लो होना चाहिए या वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उससे मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द एसिड वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द ऑयल एंड फैट। तो एसिड वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी किसकी, ऑयल या फैट की, इन अल्कोहलिक मीडियम। अल्कोहलिक मीडियम इज नेसेसरी, वी विल टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOH, KOH और यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने अपना सैंपल लिया फैट और ऑयल 1 to 10 ग्राम, किसमें लिया 50 ml ऑफ, इन 50 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हमने क्यों लिया था, हमने बताया था अल्कोहलिक मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक मीडियम में हमने इथेनॉल ले लिया, उसको ऐड कर दिया 250 ml ऑफ कॉनिकल फ्लास्क में। देन हमने इसमें इंडिकेटर ऐड करा और उसे टाइट्रेट स्टार्ट कर दिया। तो टाइट्रेट किसके अगेंस्ट कर रहे थे हम, KOH या NOH, वो हमने 0.1 नॉर्मल KOH ले लिया है। देन टाइट्रेशन करने के बाद उसमें हम लास्ट में जब पूरा आ जाता है तो हम इसको शेक करते हैं। मिनिमम टाइम हम 15 सेकेंड या 10 सेकेंड ले लेते हैं कि जब तक पिंक कलर परसिस्ट करना चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए, तो वो हमारी एग्जैक्ट टाइटर वैल्यू होती है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एसिड वैल्यू का,
एसिड वैल्यू का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इट मेजर द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, वो जो भी ऑयल ऑफ फैट है हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होता है उसकी मेजर वैल्यू हमें करके बताती है। विच हैव बिन लिबरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर टेम्परेचर एंजाइम लाइपेज लाइपेज विच इज प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। देयरफॉर ऑयल विद इंक्रीज एसिड नंबर आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मैंने अभी बताया था पहले कि ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड प्रेजेंट होगा तो हमारा एसिड वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा होगी ऑयल में तो वो हमारे लिए अनसेफ है कंज्यूम करने के लिए।